IPL आते ही लोगों में हमेशा इसके बारे में ज्यादा से जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। इंडिया में ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। IPL 2021 का ऑक्शन फरवरी 18 को चेन्नई में रखा गया था, जहां सारे फ्रेंचाइजी के ऑनर्स अपने स्क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए थे। ये टूर्नामेंट का 14th एडिशन है और पैंडेमिक के चलते भी ये उतना ही खास और इंटरेस्टिंग है जितना पहले कई सालों में रहा है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे IPL की टीम्स का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में हम सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे टीम्स विद मोस्ट विन से लेकर टीम्स विद नो विन्स और टीम्स विद मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर से लेकर फैन बेस तक। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। फिलहाल IPL में कुल 8 टीम्स हैं, जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। ये सारी टीम्स हर बार की तरह अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, पर हम इनके पिछले रिकॉर्ड्स और कुछ नई रिपोर्ट्स से इन्हें कंपेयर करेंगे। टॉप 3 टीम्स विद मोस्ट विन्स। इस पॉइंट में नंबर 1 पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का विनिंग चांस 58.25% होता है। ये टोटल 206 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें 82 हार गए, 4 मैचेस टाई थी और कुल 120 मैचेस मुंबई इंडियंस की विनिंग लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने इन मैचेस में 107 बार टॉस जीता है। सेकेंड नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके विन चांसेस 59.12% होते हैं। इन्होंने टोटल 181 मैचेस खेली है, जिनमें 72 लॉस, 1 मैच टाइड और 107 मैचेस का विन रिकॉर्ड है। चेन्नई का टॉस विन 99 टाइम्स है। नंबर 3 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके विन चांसेस 50% है। इन्होंने टोटल 198 मैचेस खेली है, जिनमें 72 मैचेस लॉस, 1 मैच टाई और 107 मैचेस टीम ने जीती है। KKR ने टॉस 99 टाइम्स जीता है। नंबर 2, टीम्स विद मोस्ट IPL कप्स। इस पॉइंट में फर्स्ट पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने टोटल 13 सीजन खेले हैं। इनकी फर्स्ट मैच 2008 में थी और इस टीम्स के पास टोटल 5 विन्स का रिकॉर्ड है, यानी IPL में 5 कप्स मुंबई इंडियंस के नाम है। मुंबई इंडियंस साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में विजय रही है। सेकंड पर 3 विन्स के साथ है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने अपनी पहली मैच 2008 में खेली थी। ये टोटल 11 सीजन्स खेल चुके हैं और इन 11 सीजन्स में 3 कप्स अपने नाम किए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011 और 2018 में जीत हासिल की थी। कोलकाता नाइट राइडर इस लिस्ट में 2 विन्स के साथ थर्ड पोजीशन पर है। इन्होंने अपनी फर्स्ट मैच 2008 में खेली थी और तब से ये IPL के 13 सीजन खेल चुके हैं, जिनमें ये दो बार साल 2012 और साल 2014 में कप जीत चुके हैं। नंबर 3, टीम्स दैट नेवर वॉन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 ऐसी टीम्स हैं जो इतने सीजन खेलने के बाद भी अब तक एक भी कप नहीं जीत पाए। जहां दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के पास शानदार प्लेयर्स हैं, वहीं RCB तो कई बार कप जीतने के काफी करीब आकर हारी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल आखिर इनमें से कौन सी टीम इस लिस्ट से अपना नाम हटाती है। नंबर 4, टीम्स विद मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स। टॉप पॉपुलर प्लेयर्स की बात करें तो RCB के कैप्टन विराट कोहली की प्राइस 17 करोड़ है, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की प्राइस 15 करोड़ और चेन्नई सुपर किंग्स में MS धोनी की प्राइस 15 करोड़ तक है। ऑक्शन के अनुसार इस साल राजस्थान रॉयल्स के पास विराट के बाद सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है क्रिस मॉरिस की प्राइस 16.25 करोड़ है और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ओन करती है। क्रिस मॉरिस एक हाई आर्म फास्ट पेसर है, जिन्होंने 70 मैचेस खेली है और अपने अब तक के करियर में 80 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं काइल जेमिसन एक राइट हैंडेड बॉलर है, जिनका ये फर्स्ट IPL सीजन है। इससे पहले 38 T20 मैचेस में इन्होंने 54 विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया है। जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 करोड़ में खरीदा है। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 82 IPL मैचेस 3 अलग टीम्स के लिए खेली है और ये 2014 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रह चुके हैं। इनका रिकॉर्ड 1505 रन का है और इन्हें भी RCB ने 14.25 करोड़ में खरीदा है। इनके अलावा RCB के पास 11 करोड़ की प्राइस वाले AB डिविलियर्स भी हैं। नंबर 5, टीम्स विद मोस्ट रन स्कोरिंग प्लेयर्स। अगर IPL के टॉप रन स्कोरर लिस्ट को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स के पास विराट कोहली है, जो IPL के मोस्ट रन की लिस्ट में 5949 रन के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। RCB के पास 4974 रन स्कोर करने वाले AB डिविलियर्स भी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना मोस्ट रन की लिस्ट में विराट के बाद 5448 रन के साथ सेकंड पोजीशन पर है और इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर मौजूद MS धोनी भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास ही है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इस लिस्ट पर मौजूद 3rd प्लेयर शिखर धवन है, जिन्होंने 5383 रन का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली कैपिटल्स में शिखर के अलावा गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे भी है। नंबर 6, फैन बेस।
अगर बात फैन बेस की करें तो फर्स्ट पर है एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके के 26.8 मिलियन फैंस हैं। वहीं सेकंड पर है रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, जिसके 24.8 मिलियन फैंस हैं। और थर्ड पर है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसके कुल 13.3 मिलियन प्लस फैंस हैं। आईपीएल के टोटल फैंस में 75% फैन बेस इन्हीं तीन टीम्स के पास है। तो दोस्तों, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।